और निश्चित रूप से किसान भाइयों, इस धरती के मानव जीवन को बचाने का जिम्मा अब आप लोग के हाथ में। कल ही मैंने कहीं देखा कि आजकल नए तकनीक से दूध का उत्पादन हो रहा है, मतलब ये जानवर वाला नहीं, आर्टिफिशियल दूध का उत्पादन हो रहा है। आर्टिफिशियल दूध का मतलब, और उस दूध का सेवन करने का मतलब पूरा शरीर का सत्यानाश कर लेना। मैं पशुधन पर इस पर इसलिए ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि मैं, मेरा जो अनुभव है थोड़ा बहुत, जो मैं हल्के में बचपन में देखा करता था कि एक समय ग्रामीण क्षेत्र में जानवरों की प्रचुर मात्रा, भरे रहते थे जानवर, गाय भैंस बकरी मुर्गी, तरह तरह के जानवर। गांव देहात में सुबह या शाम को गलती से गांव में जानवरों का आना हो गया तो आपको 10 मिनट तक घर के अंदर आना पड़ेगा जब तक जानवर सब ना अपना अपना घर घुस जाए। लेकिन आजकल जानवरों की कमी कम हो गई, पशुधन जिसको किसान कहता है, अपना आमदनी, अपना जो संपत्ति, उसमें कमी आई और इसी कमी का नतीजा है आज हमारे राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चे कुपोषित जन्म ले रहे हैं। अगर गांव में दूध होता, गांव में और भी जानवर अगर रहते तो आज हमारे आने वाली पीढ़ी कुपोषित पैदा नहीं होती। और आज उस कुपोषण को दूर करने के लिए तरह तरह उपाय किए जा रहे हैं, कभी मिड डे मील के माध्यम से, कभी और अलग अलग तरीके के पोषाहार उपलब्ध कराने को लेकर। लेकिन इससे कुछ होगा जाएगा नहीं, बता देते हैं, जब तक खुद में, घर के लोगों में इच्छा शक्ति नहीं जगेगी, हमारे किसानों में इच्छा शक्ति नहीं जगेगी, तो ये इतने बड़े बड़े आधारभूत संरचना पूरा करने बनाने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। आज कई देश दूध उत्पादन के नाम पर दुनिया में सबसे आगे हैं, कई देश अपना गन्ना उत्पादन के नाम पर सबसे आगे हैं दुनिया में, कई देश कई अलग अलग तरीके का कृषि उत्पादन के नाम पर दुनिया के सबसे आगे हैं, और वो अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभाल के रखते हैं। उस देश की अर्थव्यवस्था को वो किसान, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग संभालते हैं। आज किसानों का कोई उसके बराबर की चीज अब इस जहान में नहीं है। इसलिए हमारा और सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को कैसे हम मजबूत करें, और निश्चित रूप से किसानों को सिर्फ मजबूत ही नहीं, और उसको इतना मजबूत करें, उसकी आमदनी में इतनी बढ़ोतरी हो। अभी आप कृषि विभाग के मंत्री लगातार इस बात पर नजर लगाए रखते हैं कि विभाग में किसानों को किस तरीके से, अलग अलग तरीके से हम लोग इनको मजबूत करें। अभी आपको हम बताएं, यहीं पर लगभग कितना करोड़ रुपए का केसीसी, 48,000 किसान यहाँ पर, अभी साहेबगंज में लगभग 48,000 किसानों को केसीसी से आच्छादित किया गया। अभी कुछ दिन पहले अभी गुमला में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था, किसान सम्मान समारोह। अलग राज होने के बाद ये रिकॉर्ड था, जहां 20 वर्षों में 400-500 करोड़ रुपया किसान केसीसी के माध्यम से बंटवारा होता था किसानों के बीच में, वो हम लोगों ने 900 करोड़ तक, लगभग कहा जाए कि
चंद महीनों में हम लोगों ने करने का प्रयास किया, क्योंकि पूरे सरकार बनने के 2 साल तो कोरोना में हम लोग रह गए, उसके बाद अभी जितना वक्त हमें मिला है। और उस दिन एक दिन में पूरे राज्य में लगभग 400 करोड़ रुपया हम लोगों ने केसीसी के माध्यम से किसानों को देने का काम किया एक दिन में। धान अधिप्राप्ति की बात करें, उसमें भी रिकॉर्ड तौर धान अधिप्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग हर चीज हमारे पास है लेकिन जुड़ाव कहीं कुछ नहीं था। उन सब कड़ियों को एक एक करके जोड़ने का हमारा प्रयास चल रहा है। उसी कड़ी में हम धान तो खरीद रहे हैं लेकिन उसका चावल बनेगा कहां, और बनेगा तभी किसानों के बीच में बटेगा, तभी किसानों को उसका मूल्य भी मिलेगा, एमएसपी जो हम उनको देते हैं। आज उसके लिए बड़े पैमाने पर हम लोग राइस मिल की स्थापना कर रहे हैं, और अभी हाल में ही 14-15 से अधिक राइस मिल का हम लोगों ने स्वीकृति दी है, ताकि हम लोग और अधिक से अधिक हम लोग धान अधिप्राप्ति कर सके। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी यहां पर ब्लॉक स्तर का जो बीएमसी है पटना बरहेट में भी खुलना है, साहेबगंज शहर में भी खुलना है, और अभी जो एमयू है वो आप लोगों ने देखा ही, जो सभी पंचायत स्तर पर ये फेडरेशन कार्य करेगी। और इसमें सिर्फ दूध का ही हिसाब किताब नहीं है, दूध के साथ जुड़ाव कितना कुछ है, दूध है, घी है, दही है, लस्सी है, पनीर है, ना जाने क्या क्या बनता है। तो कई सारी चीजें हैं, और आज दूध में आप लोगों को सरकार से जुड़ाव की खुशी में सरकार 2 रुपया का आपको एक सम्मान राशि के रूप में भी उपलब्ध करा रही है। और अभी तो ये 50,000 लीटर की क्षमता वाला ये डेयरी जो अभी मंच में आया है, ये 1-1.5 लाख से ऊपर भी जा सकता है। मुझे साहेबगंज जिला से आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि ये 2 लाख से भी क्या हमको जरूरत पड़े तो इससे डबल, 2 लाख से भी डबल करना पड़े तो उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है, अगर हम उन सब बातों को रखना शुरू करेंगे तो शायद समय भी कम पड़ेगा। किसानों के प्रति थोड़ी सी कहीं ना कहीं हम लोग पूर्व में काफी उदासीनता हमें देखने के लिए मिला, और यही वजह है कि 32 साल में पहली बार कुछ दिन पहले हमने किसान पदाधिकारी बना करके इन लोगों को नियुक्ति पत्र देकर आपके बीच में भेजा है। पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई, नए नए तकनीक, नई नई व्यवस्था, नए नए ये में जब आज समय इतना तेजी से बढ़ रहा है, किसानों को भी उस गति से आगे बढ़ना पड़ेगा, नई तकनीक उनको भी बताना पड़ेगा, नए तकनीक के साथ कैसे हम आज के समय के साथ आगे बढ़ पाए ताकि किसान पीछे ना रहे और सम्रांत किसान के रूप में निरंतर आगे बढ़ते रहे, इसके लिए सरकार का हमेशा प्रयास है। इसलिए आप सब लोग सरकार की योजनाओं को और सरकार की आपसे जुड़ी अन्य बातों पर ध्यान देते हुए सरकार के साथ जुड़े, और बहुत नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।